खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी इस पर चल रहा है घमासान। इस बीच शिवसेना ने नया पैंतरा क्या है, ये पंचनामा की बड़ी खबरों में आज शामिल है। इसके अलावा यासिर, पंचनामा की बड़ी खबरों में शामिल है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से माँ बाप ने क्या की है गुहार। बिल्कुल इमानदार, और साथ ही में अपने दर्शकों को पाकिस्तान भी ले चलेंगे, जहां दुल्हन का श्रृंगार इमरान की बर्बादी का संकेत दे रही है। और इसी के साथ बताएंगे कि बीएचयू में संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर को लेकर उठा है बवाल। दरअसल क्या है ये बवाल, और इस खबर को लेकर बहुत तरह की अफवाहें भी चल रही है, सच्ची खबर हम आपको बताएंगे। बिल्कुल श्रेया, तो चलिए ये तमाम खबरें तो होंगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे पूरे हिंदुस्तान के लिए जानना बेहद जरूरी है। यूपी पुलिस का नया कारनामा है ये। पुलिस ने ही कैदियों के लिए अय्याशी का इंतजाम कराया और पकड़े भी गए पुलिस के ही छापे में। हरदोई पुलिस के जवान ने पेशी के लिए देवरिया ले जाने के दौरान कैदी को गोरखपुर में एक होटल के कमरे में ठहराया, ताकि कैदी जब चाहे अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलिया मना सके। और ये सारी मेहरबानी की गई हत्या के एक आरोपी पर, वो भी पैसों के लालच में। लेकिन गोरखपुर पुलिस ने जब स्टेशन रोड के एक होटल में रेड की, तो एक कुख्यात अपराधी अपनी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया। इतना ही नहीं, दूसरे कमरे में पुलिस वाले भी रंगे हाथ पकड़े गए, मटन की दावत उड़ा रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और सारे पुलिस वालों के होश उड़ गए। दरअसल कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने अब दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर अपडेट दे दें आपको, हरदोई पुलिस ने दोषी पाए गए 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। अभी यह खबर आई है और जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता रणवीर के पास। रणवीर, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, गोरखपुर में जो बबलू सिंह नाम का हत्या का आरोपी होटल में पकड़ा गया था, उस मामले में हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें आनंद कुमार, अभय सिंह और अमन, ये 3 सिपाही हैं जो आरोपी बबलू सिंह को पेशी के लिए देवरिया लेकर जा रहे थे और इसी दौरान अपनी प्रेमिका से मिलवाने के लिए पैसे लेकर होटल में उसको जाने के लिए परमिशन दी और दूसरे कमरे में बैठ के ये लोग खुद मौज मस्ती कर रहे थे, तो इस पर हरदोई के एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर रणवीर ने हमको दी। आप अगली खबर का हम रुख करेंगे। आज संसद में प्रदूषण पर शाम 4 बजे से बहस चली। बहस में अभी तक तो कोई सलूशन निकलता नहीं दिखा। हाँ, सदन में कई सांसद नजर नहीं आए। प्रदूषण पर संसद में बहस चल रही थी और सीटें खाली थी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तो ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही बैठे हैं, उनके आसपास की सीटें खाली ही दिखी। अब दिल्ली के 7 सांसद हैं। दिल्ली का प्रदूषण से बुरा हाल है, लेकिन देखिए जब प्रदूषण पर चर्चा शुरू हुई तो कितने सांसद पहुँचे थे इस चर्चा में। दिल्ली के 7 में से 4 सांसद नहीं पहुँचे, सिर्फ 3 ही सांसद पहुंचे थे। मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और प्रवेश वर्मा ही चर्चा की शुरुआत से मौजूद रहे। चर्चा जब शुरू हुई तो मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस नहीं पहुंचे थे। हर्षवर्धन का राज्यसभा में सैरोगेसी बिल है, इसलिए वो नहीं आए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने प्रदूषण के मुद्दे पर उपाय तो कुछ नहीं बताया, लेकिन केजरीवाल सरकार पर निशाना खूब साधा। दिल्ली का मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर पराली पराली चिल्ला रहा है, और जो उसके अपने के काम थे वो सारा दोष वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में डाल रहा है। दिल्ली के सरकार का एकमात्र सांसद पंजाब का है, आम आदमी पार्टी का, आज एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर वो भी मौजूद नहीं है। ये भी बहुत शर्म की बात है, इनका सांसद मौजूद नहीं है और ये दिल्ली में गरीब जनता का खून पसीने के टैक्स के पैसों से 600 करोड़ रुपए का ऐड कर रहे हैं। कल शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय समिति के साथ बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय समेत पर्यावरण मंत्रालय, डीडीए, एनडीएमसी और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बुलाया गया है। एजेंडा ये है कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को अभी सुना आपने, अब उनका एक और आप बयान सुनिए जो संसद में ही उन्होंने प्रदूषण पर चर्चा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल पहले खुद खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। आज जो उसने दिल्ली को दिया है कि 5 साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले अकेला खांसता था, आज पूरे दिल्ली खांसती है और सारे सांसद भी खांसते हैं।
आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में दिल्ली से 3 सांसद पहुंचे थे, लेकिन बाद में चर्चा शुरू होने के बाद दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंच चुके थे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में एक सर्वे किया गया जिसमें अधिकतर लोगों ने बच्चों के लिए स्मॉग छुट्टी घोषित करने की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण पर यह सर्वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने किया। 1 से 15 नवंबर तक हुए सर्वे में दिल्ली एनसीआर के करीब 10,000 लोग शामिल रहे। सर्वे में 74% लोगों ने स्कूल में स्मॉग के दौरान हर साल 1 से 20 नवंबर तक नियमित छुट्टी घोषित करने की मांग की। दिल्ली एनसीआर के 40% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि जहरीली हवा के कारण वो अन्य शहरों में जाना चाहते हैं। 13% ने कहा कि पॉल्यूशन के दौरान वो 1 से ज्यादा बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। 13% ने कहा कि उनके पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई विकल्प नहीं है। 29% ने कहा कि कम से कम एक डॉक्टर को तो दिखा ही चुके हैं। 44% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तो आईं, मगर वे किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल नहीं गए। 14% लोगों ने कहा उन्हें प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर देते हैं महाराष्ट्र से। वहां पर सरकार बनाने को लेकर तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए वो जरूर दिखाई दिए। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत जो बीजेपी के साथ बैठते थे वो विपक्ष में बैठे हुए दिख रहे हैं। एनडीए से निकाले जाने को लेकर शिवसेना ने अपना गुस्सा आज सामना के संपादकीय में दिखाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदुस्तान में मुगल सत्ता के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद गौरी और उस समय के पराक्रमी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच लगभग 18 छोटे बड़े युद्ध हुए थे। उसमें से 17 युद्धों में गौरी हार गया था। हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान देकर छोड़ दिया। आखिरी लड़ाई में बड़ी तैयारी करके आए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। बार बार जीवन दान को भूलकर गौरी ने कृतघ्नता की, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़नाएं दी। महाराष्ट्र में भी ऐसे विश्वासघाती और कृतज्ञ प्रवृत्ति को हमने कई बार जीवन दिया। आज यही प्रवृत्ति शिवसेना की पीठ पर वार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि शिवसेना के महाराष्ट्र की पीठ में खंजर घोपने वालों को आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। संजय राउत जब संसद में आए तो उन्होंने एनडीए से निकालने पर बीजेपी को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी भी दे दी। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहना है संजय राउत का। उनका ये कहना है कि एनडीए से ऐसे निकाल कौन सकता है, और रही बात पवार की तो वो एक बड़े नेता है, लेकिन बात सकारात्मक दिशा में है। लेकिन सवाल अब भी वहीं आकर अटका हुआ है कि सरकार कौन बनाएगा। कल एनसीपी ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है उसके बाद से सुलझती दिख रही राजनीति और ज्यादा उलझ गई है, और अब तो शिवसेना भी कह रही है कि पवार साहब को समझने में 100 जन्म लगेंगे। तसं मी या देशातल्या या सगळ्या लोकांना सांगेन की माननीय शरद पवार समजून घ्यायला यांना 100 जन्म लागतील। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन तब तक लगा रहेगा जब तक कोई पार्टी 145 विधायकों का समर्थन लेकर राजभवन नहीं जाती है। अब सवाल ये है कि 145 का नंबर लेकर राजभवन जाएगा कौन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फिर से दोहराई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज ये बयान दिया। सरकार ने कहा कि भारत रत्न के लिए व्यक्तिगत सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो संजय राउत ने कहा कि हमेशा भारत रत्न को का समर्थन वीर सावरकर के लिए, वहीं सरकार का कहना है कि व्यक्तिगत सिफारिश की जरूरत नहीं है। सावरकर पर शिवसेना का बहुत बड़ा बयान। अरे हमने हमेशा सपोर्ट किया है। संजय राउत का बयान सुना आपने। वही महाराष्ट्र में सरकार को लेकर कांग्रेस आला कमान अभी भी हिचकिचाती नजर आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस से एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस के 90% से ज्यादा विधायक सरकार के पक्ष में। महाराष्ट्र कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के 44 में से 41 विधायक सरकार में शामिल होने के पक्ष में हैं। 3 कांग्रेस विधायक शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ हैं। इन विधायकों के नाम मुंबई के अमीन पटेल, वर्षा गायकवाड़ और एक ग्रामीण इलाके की विधायक हैं। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान को चेताया है कि सरकार बनाने में देरी से नुकसान हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी सूत्रों ने एबीपी न्यूज से कहा कि हमने सभी विधायकों की इच्छा हाईकमान को पहले ही बता दी है। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है उसको लेकर इशारों ही इशारों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिवसेना और बीजेपी दोनों को एक नसीहत दी है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई। सब जानते हैं कि स्वार्थ ये बहुत खराब बात है, लेकिन अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ पाए। देशों का उदाहरण लीजिए या व्यक्तियों का। तो जानने के बाद भी जो करना चाहिए वो आदमी नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहता है। ये क्यों होता है? अब उसको लगता है कि ये मैं करूं तो लाभ होगा, तो उसको ये बताया भी जाता है कि ये तुम करोगे तो अभी तुमको लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में तुमको इसके कटुफल भोगने पड़ेंगे। और रुख करते हैं दिन की अगली बड़ी खबर का। संसद में मार्शलों की नई वर्दी पर विवाद खड़ा हुआ था, अब सभापति वेंकैया नायडू ने उसे बदलने का फैसला किया है। We have received some observation by some political as well as some well-meaning people, so I have decided to ask the secretariat to revisit the same and then take a conclusive decision. दरअसल कल राज्यसभा के मार्शलों ने नई वर्दी पहनी थी जो देखने में बिल्कुल सेना की वर्दी की तरह लग रही थी। इसी पर विवाद खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल उठाया पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने। राज्यसभा की अपनी ट्रेडिशंस हैं, वो उसको फॉलो करें। ताज़ा तस्वीर में जहां राज्यसभा के मार्शल सेना जैसी वर्दी में हैं, जबकि पहले ड्रेस काले रंग का बंद गला सूट हुआ करता था, अब सिर पर टोपी है तो पिछले साल के शीतकालीन सत्र में टोपी की जगह पगड़ी पहनते थे और वर्दी भी सफारी सूट होती थी। और अगली खबर एमपी से है। एमपी के सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर उनकी पार्टी ने ऐसा विज्ञापन छपाया जो तारीफ कम तंज ज्यादा था। कमलनाथ को 1996 में छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा था और आपको बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने पटखनी दी थी। इस बार दिग्विजय सिंह की कृपा से कमलनाथ सीएम बने। कमलनाथ के जन्मदिन पर उनकी तारीफ के लिए ये विज्ञापन छापा गया है। हैरानी की बात ये है कि विज्ञापन का प्रकाशन कांग्रेस कमेटी ने करवाया था। जरा विज्ञापन की शब्दावली पर नजर डालिए, मानो की तारीफ नहीं बल्कि तंज कसा जा रहा हो। जब बात बढ़ी तो कांग्रेस कमेटी ने ठीकरा होर्डिंग बनाने वाली एजेंसी पर फोड़ दिया और बाद में नया विज्ञापन प्रकाशित करवाया। और अब खबर ऐसी जिससे सीधा ताल्लुक है आपका, आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। जी हां, देश में एयरटेल और वोडाफोन के ग्राहकों का बिल 1 दिसंबर से बढ़ने वाला है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपनी मोबाइल और डेटा सेवाएं 1 दिसंबर से महंगी करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कॉल या इंटरनेट इस्तेमाल की नई दरें कंपनी ने नहीं बताई हैं। देश में वोडाफोन आइडिया के 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जबकि एयरटेल के करीब 32 करोड़ ग्राहक हैं। दरअसल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। इसी के चलते सितंबर की तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ और एयरटेल को 23,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से राहत की मांग की है। सरकार ने उपायों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। बात वाराणसी की, वहां के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग में पिछले 14 दिनों से पढ़ाई पूरी तरह ठप है, क्योंकि एक छात्र एक मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये किसी माता की चौकी का नजारा नहीं बल्कि बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में छात्रों के विरोध की तस्वीरें हैं। ढोल बजाकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा गाने वाले ये सभी छात्र यहाँ पुरोहिताई करने की पढ़ाई करते हैं। अब पूरा मामला समझिए। 5 नवंबर को बीएचयू चयन समिति ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति की। विरोध में छात्रों का कहना है कि डॉक्टर फिरोज खान के संस्कृत पढ़ाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आर्ट फैकल्टी के संस्कृत विद्यालय में पढ़ा लें लेकिन पुरोहिताई ना पढ़ाएं। कि इस यहाँ धर्म शिक्षा होता है, सीधे सीधे तौर पे कहें तो यहाँ पुजारी बनाने की वो पढ़ाई शिक्षा दी जाती है। तो दरअसल किसी को पुजारी बनाया जाता है हम तो वो ऑब्वियसली उस धर्म का होना चाहिए, जो उस मजहब को जानता है, उस मजहब में जिया है, उस मजहब में रहा, वही उसका धर्म ज्ञान दे सकता है। तो हमारा विरोध संस्कृत भाषा को पढ़ाने को लेकर के नहीं है। संस्कृत भाषा पे सबों का अधिकार होता है लेकिन सांस्कृतिक धर्म पे सबका अधिकार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं कुरान पढ़ लूं पर मैं मौलवी नहीं, उनका संस्कृत विद्या धर्म संकाय आने में विरोध कर रहे हैं, इन की संस्कृत भाषा पढ़ाने में। हम तो कह रहे हैं बीएचयू प्रशासन से कि कोई नौजवान युवक है वो नौकरी पाया है, भाई आज के जमाने में नौकरी मिलना भगवान मिलना एक समान होता है, खुदा मिलना एक समान होता है, तो आप उसे संस्कृत संकाय में नियुक्त कर दीजिए। बीएचयू प्रशासन और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत असफल हो चुकी है। 7 नवंबर से ही संकाय के गेट पर ताला लगा हुआ है।
और अब एक तस्वीर दिखाते हैं आपको जिसे हिंदुस्तान के हर नेता हर मंत्री को देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। नाले की सफाई करते ये है खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जिन्होंने पुराने शिवपुरी पहुंचकर नाले की सफाई करनी शुरू कर दी। औचक निरीक्षण पर निकले मंत्री जी नाले में कूद गए और नाले से कचरा निकालने लगे। इसके बाद प्रद्युमन सिंह तोमर अचानक उप संचालक कृषि कार्यालय पहुंच गए। यहां जब वो टॉयलेट गए तो देखा कि चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। फिर क्या था, ब्रश उठाया और रगड़कर टॉयलेट साफ करने लग गए। अगर इनकी नैतिकता मर गई है, ये अपने नौनिहालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कर्तव्य इनका है। और कार्रवाई की बात, जब मैं सरकार के हिस्से से बात करूंगा तो क्या कार्रवाई होगी वो शाम तक मालूम है। मंत्री जी के जाने के बाद इस गंदगी के लिए जिम्मेदार सहायक कृषि अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब एक खबर जो कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चेतावनी है ही, लेकिन इसके साथ ही पूरे देश को भी सावधान करने वाली खबर है ये। आप खाना बनाते समय खाने में जीरे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में नकली जीरा बनाने का गैंग सक्रिय है? ये तस्वीरें हर घर के लिए बड़ी चेतावनी है। दिल्ली में ऐसे बन रहा है नकली जीरा और पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये पांच वो शातिर हैं जो दिल्ली में नकली जीरा बना रहे थे। जीरे की तरह दिखने वाला बिल्कुल नकली जीरा है ये, जो कि काफी महीनों से बवाना इलाके में बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जो कई महीनों से इस काम में लगे हुए थे। अब देखिए नकली जीरा बनता कैसे था। नकली जीरे को बनाने के लिए ये लोग पत्थर के पाउडर, घास और गुड़ के शीरे का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने नकली जीरा बनाने वाले गैंग के सदस्यों को बवाना इलाके से पकड़ा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि नकली जीरे की सप्लाई गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करते थे ये शातिर। 80 किलो असली जीरे में 20 किलो नकली जीरा बनाकर ये लोग बेचा करते थे। नकली जीरा 20 रुपए किलो में बेचा जाता था, जबकि असली जीरे की कीमत 400 रुपए किलो है। जो रेट है इसका नकली जीरे का, वो जो हमें इन्होंने बताया है अब तक, वो 20 रुपए किलो के हिसाब से ही बेच रहे हैं, जबकि मार्केट रेट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, 400 रुपए के आसपास है।